नाम लिखवाने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, नाम लिखवा लोगे तो अच्छी चीज़ है ना, ये भोले के लिए बढ़िया चीज़ है। आप भोले को बेफालतू में अपना खाना खिला रहे हो, जो आप मोमडन हो गए और आप हिंदू का नाम रख के उनको खाना खिला रहे हो, तो उनकी तो काबड़ ख़राब हो रही है ना। भोले इतनी दूर से जल लेके आते हैं, आप उनको जल को खंडित करवा रहे हो, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना। योगी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना किया अगर नाम प्लेट लिखवा दी तो। कांवड़ियों के लिए गढ़ है उस पर जो है, एक्चुअली में कोई भी है मोमडन भाई है या हिंदू भाई है तो हिंदू नाम से ही ढाबे खुले हुए थे। अभी जो ये नेम प्लेट का जो सिस्टम चालू किया है योगी जी ने कि नेम प्लेट लगनी चाहिए, तो उससे ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही है ना कि कौन हिंदू था कौन मोमडन था, यानी कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज 26 तारीख थी और 26 तारीख को ही नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तारीख रखी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को अभी भी बरकरार रखा है, इस पर कोई ठोस फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। लेकिन सीधा आप जनता से भी बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री यानी योगी सरकार की तरफ से, भाजपा उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब दिया गया है। क्योंकि कहा यह जा रहा था ये जो नेम प्लेट का मामला है ये कहीं ना कहीं देश के प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के वकील ने ये कहा कि हमारा कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि कोई ये फैसला किसी भी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ेगा, बल्कि ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार देखा गया, कई बारों से देखा जा रहा है कि खाना नाम किसी और को होता है और खाना कोई और परोस देता है, इसके बाद विवाद छिड़ता है और कांवड़िए के साथ जब विवाद होता है तो कहीं ना कहीं इस विवाद को रोकने के लिए इस फैसले को दिया गया। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, अब आम जनता से भी बात करते हैं कांवड़ियों के इस पूरे विषय पर, आम जनता क्या सोचती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनु शुक्ला। शुक्ला जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख दी थी 26 तारीख, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया कि भाई इस फैसले से ना कोई सौहार्द बिगड़ने की मानसिकता हमारी थी, ना किसी तरीके का कोई सौहार्द बिगड़ेगा, बल्कि इस फैसले को हमने इसलिए किया कि भाई कहीं ना कहीं ये पता रहे कांवड़िया को कि वो किस होटल का खाना खा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री के आदेश को आप लोग मान रहे हैं ठीक है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो ठीक है? योगी जी ने यह बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है, इससे बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे हमारे कांवड़िया कांवड़ लेकर के आते हैं, उनको ये लगता है कि ये दुकान जो है करीम की है या जो भी है नाम को लेकर के, वहाँ पे खाना खाते हैं पीते हैं, उसके बाद उस पर बोर्ड पे नेम लिखा होता है हिंदू का, QR कोड स्कैन करते हैं तो नाम आता है मोहम्मदन का, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। अगर ये कदम उठाया तो बहुत अच्छा कदम उठाया योगी जी ने, मैं इस कार्य की सराहना करता हूं योगी जी की। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया, तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है कि भाई ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नाम लिखने से कोई भाईचारा बिगड़ जाएगा यूपी? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, कतई नाम चेंज करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो सिर्फ एक जो है जनता के उसके लिए है कि कांवड़ियों को लड़ाई विद्रोह जो पैदा होते हैं ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए किया गया है। इसमें कोई जो है सरकार ने बहुत अच्छा एक कार्य किया है, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया था, हालांकि कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता योगी के साथ, योगी के फैसले के साथ, यह लगता है कि योगी ने गलत फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाई, उसके बाद कहीं ना कहीं आम जनता क्या सोचती है? अब हमारा तो यही मानना है कि ये मामला जो है धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कांवड़िए इतनी दूर से आते हैं लेके आते हैं, उनके मन में एक श्रद्धा होती है, वो निष्पक्ष होते जाते हैं वहाँ पे कि हम कोई मांसाहारी चीज़ें यूज नहीं करेंगे, कोई वैसी चीज़ें यूज नहीं करेंगे, और वहाँ आके अब वो दुकान पे आते हैं, कोई कैसा भी होता है कोई कैसा होता है, तो एक जानकारी के लिए उन्होंने किया है कि हाँ सबको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है कैसा मिलता है। तो जहाँ तक देखा जाए धर्म से जुड़ा हुआ अगर आस्था का है तो अच्छा ही फैसला है उनका। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ऐसा फैसले करते हैं जिससे सौहार्द बिगड़ जाता है। नेम प्लेट हम अपने घर पे नहीं लगाते हैं क्या? नेम प्लेट अपने घर पे भी तो लगाते हैं, उससे हमारा सौहार्द नहीं बिगड़ता है? अगर हम अपनी दुकान पे लगा लेंगे तो उससे हमारे सम्मान में कोठी थोड़ी ना जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फैसला उनका ठीक है, जायज भी है। बिल्कुल जायज है। लेकिन कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई कहे कि नेम प्लेट लगाने से सौहार्द बिगड़ता है तो ये तो गलत बात है ना। नेम प्लेट लगाने से अब हमारा नाम जानने से हमारा सम्मान थोड़ी ना बनेगा, और ये होगा कि हम ये हैं हम ये करते हैं, तो उनका मेन मोटिव ये था कि लोगों को पता चले कि हम जो सामान खरीद रहे हैं कहाँ से खरीद रहे हैं कैसे खरीद रहे हैं अच्छे से हैं या जो भी है
तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो था कि वो सौहार्द बिगाड़ने वाला नहीं था। तो आप लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ हैं, हाँ बिल्कुल साथ हैं। कैसे देखते हैं आप तो युवा हैं, लगातार कांवड़िए युवा सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन जब ये पता लगता है कि सामने लिखा है शिवा ढाबा और स्कैन कर दिया और उसमें नाम किसी सलीम का, करीम का, नईम का आ जाता है, उसके बाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई तुमने शिवा ढाबा लिखा है, जब हमने खाना खा लिया उसके बाद जब हम पैसा पे करने लगे तो ये नाम आने लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं विवाद होता है और युवा भड़क जाते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं, नाम बदलना, नाम लिखना, ये ठीक है या फिर गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सही फैसला है योगी जी का, हम उनके साथ में हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, नाम लगाना कोई गलत थोड़ी ना है, उसका बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि हम जहाँ पे खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ पे हमको पता होना चाहिए हम कहाँ पे क्या खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, बाद में विवाद ना पैदा हो, पहले इस चीज़ के लिए जानकारी पहले पूरी क्लियर होनी चाहिए, और जो फैसला योगी जी ने लिया हम उनके साथ में हैं और बिल्कुल सही फैसला है। आप क्या कहेंगे सर, इस जानकारी के चक्कर में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए याचिकाकर्ता, उन्होंने कहा भैया नाम क्यों लिखवाया जा रहा है, नाम इसलिए लिखवाया जा रहा है कि विवाद हो, नाम इसलिए लिखवाया जा रहा है कि आपसी भाईचारा खराब हो, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नाम लिखवाने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, नाम लिखवा लोगे तो अच्छी चीज़ है ना, ये भोले के लिए बढ़िया चीज़ है, आप भोले को बेफालतू में अपना खाना खिला रहे हो, जो आप मोमडन हो गए और आप हिंदू का नाम रख के उनको खाना खिला रहे हो तो उनकी तो कांवड़ ख़राब हो रही है ना, भोले इतनी दूर से जल लेके आते हैं आप उनको जल को खंडित करवा रहे हो, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना, योगी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना किया, अगर नाम प्लेट लिखवा दी तो उसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने, अपने सम्मान के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए तो कर रहे हैं ना वो, अब आप हमारे हिंदू धर्म के भोले के कांवड़ को खंडित करवा रहे हो तो वो तो गलत है ना, वो अगर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, नाम लिखवाना कोई गलत बात थोड़ी ना ये नाम प्लेट के लिए। जनता क्या इसके समर्थन में है कि हाँ भाई दुकान पे नाम लिखना चाहिए, आप लोग भी व्यापारी वर्ग से हैं, आम जनता समर्थन में है? नाम तो आम जनता वैसे भी लगाते हैं, सबकी दुकानों पे पहले से नाम लिखे होते हैं, अब उसको हाइड करके कुछ करना, हाइड एंड सीक उसमें करना, उसको उन्होंने किया कि वो हाइड ना रहे, जो भी चीजें हो क्लियर आए सामने, अब दुकान पे तो बोर्ड सभी का लिखा होता है, जीएसटी नंबर के साथ में लिखा हुआ होता है, तो जहां तक हमारा ये मानना है कि अगर नाम को लेके कोई अगर ये मुद्दा ये उठा रहा है, ये मुद्दा तो नाम को लेके बड़ा गलत उठा रहा है, नाम लिखने से हमारा सौहार्द या हमारे सम्मान में कमी नहीं आएगी और पता चलेगा कि हम क्या हैं, क्या बेच रहे हैं। लेकिन नाम और पहचान आप क्या कहेंगे सर? नहीं आप बताइए जरा, ये उनसे बात करेंगे, आप भी व्यापारी वर्ग है, आप लोग क्या कहेंगे, क्या ऐसा लगता है कि भाई अगर नाम लिख लेंगे, क्योंकि तस्वीरें जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का आदेश आया उसके बाद तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, नाम कुछ और जब आदेश आया उसके बाद उन्होंने प्रोपराइटर में जो नाम लिखा गया वो कुछ और, क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं आप लोग सहमत हैं कि भाई योगी ने जो कहा वो होना चाहिए? बिल्कुल सहमत हैं, इसमें एक कारण ये भी है कि हमने कुछ दिनों पहले देखा, आज भी वीडियो वायरल होती हैं कि कुछ जैसे कि कोम है, एक सारे मोहम्मदन गलत ही नहीं होते, उस कुछ नहीं होता है, अब कुछ मोहम्मदन ऐसे कोम को बदनाम कर रहे हैं कि कोई थूक के करे बरक्कत हो रही है, बेच रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, कोई पेशाब करके धो रहा है किसी चीज़ को, तो वो एक उनकी कौम को सारे तो ख़राब नहीं हुए, बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, जो पर्सनली जो सही मायना है, चाहे आप मोहम्मदन है तो मोहम्मदन का नाम लिखे, ये मेरा होटल है शुद्ध शाकाहारी सब चीज़ यहाँ मिलता है, हिंदू है तो हिंदू लिखे, बस सेम होना चाहिए, ये नहीं हिंदू लिखवा दिया शिवा ढाबा और नाम दूसरे का आ रहा है तो ये गलत है, जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल राइट है। इस पर आप क्या कहेंगे कि आखिरकार नाम अब क्यों समझ में आ रहे हैं, शिवा ढाबा, कुछ और ढाबा, किसी और मम्मा वैष्णो ढाबा, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने आदेश किया तो उसके बाद नाम असली प्रोपराइटर में नाम लिखा हुआ सामने आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विवाद करवाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री आपसी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कांवड़िया जो जाते हैं पूरी भक्ति श्रद्धा से जा रहे हैं, वो अपना जल जो लेके जा रहे हैं वो भी ज़मीन में नहीं रखते, इतनी श्रद्धा से जाते हैं, उनको बीच में ही खंडित कर दिया जाए, कोई उल्टा सीधा खाना खिला दिया जाए, इसके लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है योगी जी, बहुत अच्छा फैसला लिए हैं, जो भी लिए हैं मानते हैं कि अच्छा फैसला लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सर क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इस फैसले के बाद आखिरकार अब आम जनता की क्या राय निकल कर आ रही है, यही हम जानने आए हैं कि आम जनता क्या सोच रही है इस पूरे मामले पर? आम जनता योगी जी के फैसले से सहमत है। सहमत है जी, लगता है कि भाई ठोक के नाम लिखो, अगर जो नाम है अपनी दुकान पे ठोक के नाम लिखो, ठोक के नाम लिखना चाहिए, जो नाम है वही तो हम अपना प्रचार करेंगे, तभी तो पता चलेगा हम क्या बेच रहे हैं और कहाँ से आए हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा जी जी।
आप मानते हैं कि भाई ठोक के नाम लिखना चाहिए? जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद की स्थिति पैदा ना हो, पहले तमाम विवाद देखे गए। हालांकि आज जो हाई सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के वकील ने जो कहा कि भाई पहले तमाम विवादों की स्थिति पैदा हुई, इसलिए हमने ये कहा कि विवाद पैदा ना हो, जिसको जहाँ खाना है वो खाए लेकिन बाद में कोई विवाद ना करे। लेकिन खाने वाले को पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं। अब हम अभी मांसाहारी नहीं खाते हैं, कल को हमको पंडित जी का सामने रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, पंडित जी का रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे जाएं तो हमको ये पता है कि हमको शाकाहारी खाना मिलेगा, मांसाहारी नहीं मिलेगा। तो ये एक हमारी उम्मीद है और कल को यही उम्मीद टूटेगी जाके कि हम जहाँ पे खा रहे हैं वहाँ पे मांसाहारी भी बन रहा है, वहाँ पे लोग एक तरफ मांसाहारी बन रहा है एक तरफ शाकाहारी बन रहा है, तो वो उम्मीद ना टूटे, पता चलना चाहिए कि हाँ हम जहाँ पे जो बेच रहे हैं वो एक वो चीज़ बेच रहे हैं। लगे कि पंडित जी का ढाबा 25 साल से चल रहा है लेकिन अब योगी जी ने कहा तो पंडित जी के ढाबे पे प्रोपराइटर का नाम आ गया, जुबेर सुलेमान। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, हमको भी दिखना चाहिए कि पंडित जी रेस्टोरेंट लिखा है लेकिन नाम कुछ और बाद में निकल के आता है, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि पेमेंट करते हैं कोई और QR कोड आ जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सारे बिजनेस में हिंदुओं का ही नाम लेके जी बिजनेस किया जा रहा है, हर जगह जो इंडिया में हर जगह सिर्फ हिंदू आबादी क्षेत्र में हिंदुओं का नाम लेकर ही सिर्फ रेस्टोरेंट कुछ भी मुस्लिम लोग चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? अपना नाम भी तो चला सकते हैं, अपनी पहचान बनाएंगे। नाम को लेकर बड़ी चर्चा है, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं, क्या लग रहा है कि हरिद्वार रूट पे जो है अधिकतर एक्चुअली में हरिद्वार जो है हमारा एक पावन धार्मिक स्थल है, कांवड़ियों के लिए गढ़ है, उस पे जो है एक्चुअली में कोई भी है मोहम्मदन भाई है या हिंदू भाई है तो हिंदू नाम से ही ढाबे खुले हुए थे। अभी जो ये नेम प्लेट का जो सिस्टम चालू किया है योगी जी ने कि नेम प्लेट लगनी चाहिए, तो उससे ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही है ना कि कौन हिंदू था कौन मोहम्मदन था, यानी कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी जा रही है कि भाई तुम चोरी कर रहे थे, आंखों में धूल झोंक रहे थे, इस आंखों की धूल को रोकने के लिए, इस विवाद को रोकने के लिए कि भाई उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकल रही है, और जब स्कैन किया नाम कुछ और, बोर्ड पे नाम कुछ और, उसके बाद कांवड़ियों से विवाद होता है, उसके बाद पुलिस आती है, उसके बाद व्यवस्थाएं खराब होती है, सब चीज़ों को लेकर के हर साल दंगे फसाद भी होते हैं कि दुकान पे कांवड़ जो हमारे भोले जल लेकर के आते हैं वो हिंदू का ढाबा देख करके, शिवा ढाबा, विशाल ढाबा देख करके रुक जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद जब वो पेमेंट करते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मदन का ढाबा है जी। जो उसका प्रोपराइटर है वो मोहम्मदन है जी। तो इसलिए वहाँ पे दंगे फसाद भी होते हैं। तो ये जो योगी जी का कदम है ये बहुत अच्छा कदम है, उन्होंने जो ये निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है, हम सारे लोग सहमत हैं। उससे हम सेल्फ वो भी हो जाएंगे, हमारा मन होगा तो हम लेंगे, हमारा मन नहीं होगा हम उनके पास नहीं खड़े होंगे जाके, वो हमारी उस पर निर्भर करता है कि हमको इनसे वो चीज़ खरीदनी या नहीं खरीदनी। कल को हम साबुन लेने या चिप्स लेने भी जाते हैं, खुजा के उस यहाँ से साबुन दे दिया के, तो वो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो एक स्पष्टीकरण आएगा सामने कि हमें कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है, वो निर्भर हम पे करता है कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। देखिए निर्भर आम जनता पे करता है और आम जनता आपको पूरे इस मामले में आम जनता भी बीच में आ चुकी है, आम जनता क्या बोल रही है, आम जनता की क्या राय है। हालांकि आज कहीं ना कहीं 26 जुलाई जो तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना था मध्य प्रदेश सरकार को, यूपी सरकार को, और उसके बाद यूपी सरकार ने अपना जवाब भी दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में वकील गए, उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी ना है कि कहीं ना कहीं यूपी में कोई सौहार्द बिगड़े। उन्होंने ये भी कहा, ये भी स्पष्ट किया कि ये त्यौहार कांवड़ियों का भले ही सनातन के मानने वाले हिंदुओं का हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ईद होती है या फिर ताजिया निकलता है तब भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से परखती है, पूरी तरीके से जाँचती है, पूरी तरीके से देखती है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के साथ योगी सरकार के साथ आम जनता क्या कह रही है, उनके बारे में क्या सोच रही है, और अब आखिरकार अगली तारीख को क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तय करेगा, लेकिन आम जनता नेम प्लेट के मामले में उनकी क्या खास राय है वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा गाजियाबाद से।